और वहीं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सदन में सरकारी इमारतों पर अवैध तरीके से पोस्टर और फ्लैक्स चिपकाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि हम हरियाणा को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन इनका नमूना हमें जमीन पर देखने को मिलता है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो क्या आपने एक सड़क भी छोड़ी थी? कई बातें छोटी होती हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और सरकार कहती है कि हम हरियाणा को बहुत स्वच्छ बनाएंगे, भारत स्वच्छ बनेगा, और ये स्वच्छ हरियाणा का एक बहुत बड़ा नमूना है। मुख्यमंत्री जी, मैं अपना स्पीकर सर, डॉक्टर साहब, आपने छोटी सी टेबल तो लिख दी और इन अधिकारियों को एक सरप्राइज चेकिंग भी यहां से भेज दो। जहां पर 300 पोस्टर की बात करते हैं वहां पर 30,000 पोस्टर ना लगे हों तो मैं इस दावे के साथ इसमें कहता हूं, आप कोई शहरों को सुंदर रखने की आपकी नीयत नहीं है। हरियाणा का कोई फ्लाईओवर नहीं बचा हुआ है, कोई आरओ भी नहीं बचा हुआ है, कोई मेट्रो का पिलर नहीं बचा हुआ है, और कोई फ्लाई एलिवेटेड रोड है उसका पिलर नहीं बचा हुआ है। ट्यूशन सेंटर के, स्कूल एडमिशन के, दीमक वाला, वाईफाई लगवा लो, आज उद्घाटन है इस दुकान का, आज नए शोरूम का उद्घाटन है, आज मेला लगना है, आज ये कथा हो रही है, आज ये भंडारा हो रहा है। ये आजकल प्रिंटिंग प्रेस इतनी जबरदस्त हो गई कि इतने इतने पोस्टर बन जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने कोई सड़क खाली? कोई बात नहीं, आप अपने अपने प्रांत की जो कोई सड़क खाली छोड़ी हो, चलो मैं दीवार खाली छोड़ी हो, पता नहीं आपको पैसा कहां से आया था। वीर साहब, वीर साहब, एक सड़क बता दो जो तुमने छोड़ी हो। मैं जुड़ा फिर कोई नहीं, अध्यक्ष महोदय जुड़ा फिर कोई अध्यक्ष सारी गंदी कर दी आपने।